कंसीडर दिस एग्जांपल। ओके, क्या है क्वेश्चन? कहता है कंसीडर द लैंग्वेज जनरेटेड बाय फॉलोइंग ग्रामर, मींस ग्रामर ये गिवन है और यहां पर एस इज द स्टार्ट सिंबल, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी आर द नॉन टर्मिनल्स एंड स्मॉल ए बी, ए बी एंड ए बी ओनली आर द मीन्स टर्मिनल्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? कहता आंसर अबाउट वेदर दिस लैंग्वेज इज इनहेरेंटली एम्बिगुअस और नॉट। जैसा कि मैंने बोला था कि जो जब इनहेरेंटली एम्बिगुअस मीन्स एम्बिगुअस के साथ इनहेरेंटली भी आप जोड़ते हैं तो फिर वो लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ग्रामर के बारे में क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि ग्रामर कभी भी इनहेरेंटली एम्बिगुअस नहीं होती है, हमेशा लैंग्वेजेस इनहेरेंटली एम्बिगुअस होती हैं। ओके, तो अब हमको क्या करना है, ये ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो इनहेरेंटली एम्बिगुअस है या नहीं है, इसके बारे में हमें आंसर करना है। ओके, तो वैसे तो ये मीन्स प्योरली कॉन्सेप्ट आप इसको कंपाइलर डिजाइन में इंक्लूड करना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि एम्बिगिटी हम कंपाइलर डिजाइन में पढ़ रहे हैं और इसीलिए इसको हम यहीं पर इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये ग्रामर लैंग्वेज क्या जनरेट कर रही है हमें वो लिखना है। ओके, तो मैंने कहा यहां से एल ऑफ जी, ये जो मीन्स ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट कर रही है वो मैं लिखने जा रहा हूं। अगर आप देखें एस डिराइव्स ए बी, तो ए क्या डिराइव कर रहा है, ए ए बी, और बी क्या डिराइव कर रहा है, बी बी एप्सिलॉन। देखना यहां से ए से ए ए बी, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एज, टोटल नंबर ऑफ बीज सेम है एंड टोटल नंबर ऑफ एज आर फॉलोड बाय टोटल नंबर ऑफ बीज। एक पॉइंट तो यहां से ये निकल के आ रहा है, मतलब अगर मैं चाहूं तो यहां से ये बोल सकता हूं ए की पावर एन बी की पावर एन, यहां ए से इस टाइप की सारी स्ट्रिंग्स निकल रही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ए के बाद बी कॉनकैटिनेट हो रहा है और बी डिराइव कर रहा, क्या कर रहा है, बी बी एप्सिलॉन मींस एनी नंबर ऑफ बीज। इसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज, लेट्स से कि ये इतना, या मैं बी को क्या कर देता हूं, बी को बता देता हूं ये, और एन और के पे क्या कंडीशन है, एन कॉमा के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, लेकिन अब ये b की पावर n है, b की पावर k है, दोनों कॉनकैटिनेट हो रहे हैं, तो ये तो बनेगा b की पावर n प्लस k, तो वही मैं b की पावर n प्लस k को क्या कह दे रहा हूं, b की पावर m कह दे रहा हूं। ओके, वेयर m कॉमा n ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो s डिराइव्स ap से इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स निकल जाएंगी, लेकिन ये स्टार्ट सिंबल से और भी कुछ डिराइव हो रहा है, ये मीन्स इस तरह की स्ट्रिंग तो इस लैंग्वेज में होंगी ही होंगी, और भी किसी तरह की स्ट्रिंग्स होंगी जो एस डिराइव सी डी वाली सिचुएशन होगी। तो यहां से मैं क्या करता हूं, वो सारी स्ट्रिंग्स जो एस डिराइव सी डी से आ रही हैं उनको भी इसमें यूनियन कर दे रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, सी डी से, सी से देखो आप क्या हो रहा है, ये कैपिटल सी है और ये सी क्या ड्राइव कर रहा है, ए सी बी सी और एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि ये ए सी बी सी मीन्स ए की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, या बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, या ए और बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या जनरेट हो रहा है, सी से जनरेट हो रही है ए और बी की यूनिवर्सल लैंग्वेज। ए और बी का इस्तेमाल करके कोई भी स्ट्रिंग इससे बन सकती है, और इसीलिए यहां पे मैं इसको क्या बोल दे रहा हूं, W means यहां से W जनरेट हो रही है, और ये W है क्या, ये W है A प्लस B की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। ये A प्लस B के स्टार का क्या मतलब है, means ये क्लीन क्लोजर है, इसका मतलब है एनी स्ट्रिंग्स ऑफ एज ओनली, एनी स्ट्रिंग्स ऑफ बीज एंड ओनली एंड एनी स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है A और B की। अब यहां से अगर देखें आप कि ये D अभी इसमें ये इतना तो आ चुका है, इस C से क्या बन रहा है,
सी से क्या बन रहा है वो तो आ चुका है। अच्छा यहां पर हमें कुछ और भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सी से ये तो हमने लिख दिया लेकिन डी इसी में कॉन्कैटिनेट हो रहा है तो डी क्या जनरेट कर रहा है बी बी एप्सिलॉन। तो यहां पर बी को देखना पड़ेगा अब हमको कि बी क्या जनरेट कर रहा है तो बी से यहां पे आते हैं बी बी। इसका मतलब यहां से बी से ये बी बी मीन्स ये बी की पावर में ही आ रहा है और चूंकि डी से एप्सिलॉन बी है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा क्या इसको मैं लिख देता हूं डब्ल्यू और डब्ल्यू लिखने के बाद यहां से बी की पावर आई लिख देता हूं ओके कि मीन्स एनी नंबर ऑफ बीज डब्ल्यू के बाद आ सकते हैं इसके हिसाब से ओके वेयर आई आई पे कंडीशन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब आप एक ऑब्जर्वेशन देखना जो इस ग्रामर में जो टर्मिनल्स हैं वो सिर्फ दो ही टर्मिनल है स्मॉल ए और स्मॉल बी ओके। तो अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी में अगर आप देखें यहां से यहां पे अगर इस बी को इसमें आई को क्या कर दूं जीरो कर दूं तो यहां डब्ल्यू बचता है और W क्या है W belongs to A plus B का स्टार means universal language। इसका मतलब ये पूरी लैंग्वेज इसके इक्वेलेंट में क्या लिख सकता हूं इसके इक्वेलेंट में लिख सकता हूं कि जो मीन्स ये नई लैंग्वेज इसको सबको मिला के लिख रहा हूं मैंने कहा इस लैंग्वेज में जितनी स्ट्रिंग है वो सब W टाइप की हैं वो W belongs to A plus B का स्टार means ये ओवरऑल लैंग्वेज जो है और जो ये है बोथ आर सेम ओके means ये इस तरह से लिख दिया इसको मैंने एल ऑफ जी ये निकल ये ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो ये है। अब क्या करूं इस ग्रामर इस लैंग्वेज के अब मुझे इस लैंग्वेज के बारे में एक्चुअल में पूछ रहा है कि क्या ये लैंग्वेज इनहेरेंटली एम्बिगुअस है चूंकि इसमें ग्रामर गिवन थी Inherently ambiguous का question पूछते समय तो जब भी ऐसा होगा मुझे language derive करनी पड़ेगी। अब इस language के बारे में पूछ रहा है क्या ये inherently ambiguous language है तो मैंने कहा कि since I can write an unambiguous grammar for it ये क्या है as bs और epsilon और जो ये grammar मैंने लिखी है ये क्या है unambiguous है और ये जो लैंग्वेज जनरेट कर रही है वो भी क्या है यूनिवर्सल लैंग्वेज है ओवर ए कॉमा बी और ये भी यूनिवर्सल लैंग्वेज है ओवर ए कॉमा बी और ये अनएम्बिगुअस भी है एंड देयरफॉर द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर इज नॉट एन इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है ये नॉट इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज ये इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज नहीं ओके एंड दैट्स डन।